नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडी टाइम्स। मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या से पूरे देश में सनसनी फैल गई थी। उनके फैंस सकते में थे। इस हत्या में कई गैंगस्टर्स की मिलीभगत की भी बात सामने आई थी। इस मामले में पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई को गिरफ्तार किया था। अब इस केस में एक नया पेच भी सामने आया है। खुद लॉरेंस बिश्नोई ने खुलासा किया है कि आखिर इस हत्या के पीछे किसका हाथ था। इतना ही नहीं, उसने इस बात का खुलासा किया है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या की प्लानिंग पिछले एक साल से चल रही थी। हाल ही में मीडिया को दिए एक इंटरव्यू के दौरान लॉरेंस बिश्नोई ने कहा कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या में गोल्डी ब्रार का हाथ था। लॉरेंस बिश्नोई ने कहा कि जहां तक मेरी बात है तो मुझे केवल हत्या की साजिश के बारे में ही पता था, लेकिन मेरा सीधे तौर पर इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। उसने आगे बताया कि मूसेवाला से हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन हम यकीनन उससे खफा थे क्योंकि वो हमारी विरोधी गैंग को मजबूत करने में लगा हुआ था। लॉरेंस ने कहा कि यहां तक कि मैं विक्की मिडुखेड़ा की हत्या को लेकर भी मूसेवाला से नाराज था क्योंकि विक्की की हत्या में सिद्धू का हाथ था। लॉरेंस बिश्नोई ने इस बारे में आगे कहा कि सिद्धू मूसेवाला विक्की मिडुखेड़ा के हत्यारों और कारोबार को मदद करता था क्योंकि उस वक्त वो काफी फेमस था और पुलिस में भी उसकी काफी चलती थी। लॉरेंस बिश्नोई ने यहां तक खुलासा किया कि सिद्धू ने एक पार्टी के साथ हाथ मिला लिया था और उसकी जान पहचान उसी पार्टी के बड़े पद पर आसीन व्यक्ति से हो गई थी। लॉरेंस ने कहा कि यकीनन वह सिद्धू की हत्या की साजिश से वाकिफ भी था। उसे मारने की पूरी साजिश गोल्डी और सचिन ने रची थी। इंटरव्यू के दौरान जब लॉरेंस बिश्नोई से पूछा गया कि सिद्धू मूसेवाला को बिक्की का मर्डर करवाकर क्या फायदा मिला, तो जवाब में बिश्नोई ने बताया कि शायद सिद्धू खुद एक गैंगस्टर बनना चाहता था। वो चाहता था कि जिस तरह वो अपने गानों में दिखता है वैसा ही असल जिंदगी में भी बन सके। लॉरेंस ने कहा कि उसे सिद्धू के गानों से कोई परेशानी नहीं रही। जब तक कि गुरलाल और विक्की की हत्या में सिद्धू का नाम नहीं आया, हमने कभी उसकी हत्या के बारे में नहीं सोचा। जब वह बिना सिक्योरिटी के चंडीगढ़ में अकेला घूमता था, तब भी हमने उसे कुछ नहीं कहा। ये बड़े खुलासे किए हैं लॉरेंस बिश्नोई ने, जिसे मूसेवाला की हत्या के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।